आज हमारा जो टॉपिक है वो है तापमान की जो इकाइयां हैं उनको किस प्रकार से हम सेल्सियस से फॉरनाइट में या फॉरनाइट से सेल्सियस में चेंज करें, और ये हमारी ज्योग्राफी हो चाहे कोई साइंस सब्जेक्ट हमें या हमारा कोई भी दैनिक जीवन उसमें इनका काफी यूज होता है। तो आज हम सीखेंगे इसके अंदर। कई बार आपने फॉर्मूले आते हैं लेकिन फॉर्मूले हमें याद नहीं रह पाते, ऐसी कंडीशन में हम फॉर्मूले को याद करने का तरीका, और ये भी जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि किस प्रकार से फॉर्मूले का निर्माण हुआ है, या आपको ऐसा बहुत कम क्लासेस में बताते हैं कि इस फॉर्मूले का निर्माण कैसे हुआ है। तो आइए इस पर बात करते हैं कि सेल्सियस तीनों इकाइयां हैं। पहली इकाई हम ले रहे हैं इधर सेल्सियस, दूसरी हमारी इकाई है वो है फॉरेनहाइट, तीसरी हमारी है केल्विन। सेल्सियस मापनी का जो निर्माण किया था वो स्वीडन के व्यक्ति थे, स्वीडन के विद्वान थे सेल्सियस, जिन्होंने इस मापनी का निर्माण 1742 ईस्वी में किया। इससे पहले फॉरेनहाइट का निर्माण हो चुका था और इसका निर्माण पोलैंड के विद्वान फॉरेनहाइट ने किया 1724 ईस्वी के अंदर। सेल्सियस मापनी का कुछ देशों में प्रयोग होता है, उसी प्रकार फॉरेनहाइट का अमेरिका और कुछ देशों में इसका प्रयोग होता है, लेकिन जो केल्विन है उसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसका प्रयोग होता है। अब बात करते हैं हम दोनों के कि इन्होंने सेल्सियस महोदय थे, उन्होंने कहा कि कोई भी द्रव या पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस में जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस में जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो वाष्प बनता है। ये सेल्सियस कहते हैं। फॉरेनहाइट महोदय कहते हैं कि 32 डिग्री फॉरेनहाइट पे जमता है और 212 डिग्री फॉरेनहाइट पे वो वाष्प बनता है। केल्विन बाद में चर्चा करेंगे, अभी इन दोनों की बात करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जमना और वाष्प बनने की क्रिया पूरी सेल्सियस महोदय के अनुसार 100 डिग्री में हो रही है, और फॉरेनहाइट महोदय के अनुसार जमना और वाष्प बनने की क्रिया पूरी की पूरी क्रिया है वो 180 डिग्री के अंतर में हो रही है। ये आपको याद रखना है। तो हम कह सकते हैं कि इसका 100 इसके 180 के बराबर है, क्योंकि इसमें जो घटना घटित हो रही है वो ही घटना इसमें घटित हो रही है। हम यूं कह सकते हैं कि इसका एक किसके बराबर होगा, 180/100। हमने भाग दिया, जीरो से जीरो कट गई, ऊपर बचे 18/10, दो के पहाड़े से काटते हैं तो ये हो गया 9/5। अगर भाग देते हैं इसमें, 5 का भाग अगर 9 में देंगे तो यहां पर आ रहा है 1.8। इस प्रकार से यहां तक आपको याद करना है। अब आप ध्यान दें इधर, इसमें क्या है कि अगर आपको सेल्सियस टू डिग्री फॉरेनहाइट में बदलना है, सेल्सियस को किस में बदलना है, डिग्री फॉरेनहाइट में बदलना है, तो इसका है सेल्सियस इंटू 1.8 प्लस 32। ठीक है, इसको यू भी लिख सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। एक बार इस सूत्र पे ध्यान दीजिए कि इसमें 1.8 ही क्यों आया या 9/5 क्यों, हम इसमें से 1/8 भी लिख सकते हैं, हमने लिखा, या हम इसको 9/5 भी लिख सकते हैं क्योंकि यहां से ये आया। अब आप इस फॉर्मूले को रटना नहीं है, क्योंकि आज रटोगे तो कल इसको भूल जाओगे, इसके लिए एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। आप हमेशा एक बात याद रखो कि 50 डिग्री फॉरेनहाइट होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, 50 डिग्री फॉरेनहाइट है
वो किसके बराबर होता है? 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर। अब आप क्या करना है कि जो 10 डिग्री सेल्सियस है उसको हमें फॉरनेट में चेंज करना है, तो हमें इसका कितना बनाना पड़ेगा? 50। 50 कैसे बना सकते हैं? 10 इंटू 1.8 से इंटू करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 18। 50 बनाने के लिए कितने कम रहेंगे? 32। तो हम यहां पर क्या कर देंगे? 32 जोड़ देंगे। ये क्या था हमारे पास? सेल्सियस। तो इसको लिख देंगे डिग्री सेल्सियस इंटू 1.8 प्लस 32। आप यहां देख सकते हैं ये फॉर्मूला बन गया, वापस से बन गया। तो आप ये याद रख लो कि 10 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री फॉरनाइट के बराबर होता है, तो ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। अब आप आ जाओ इधर, हमारे सामने है डिग्री फॉरनाइट टू डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो वो याद करो कि 10 डिग्री 50 फॉरनाइट बराबर था, तो हमें क्या करना है? 50 फॉरनाइट को बदलना किसमें है? सेल्सियस में। तो 50 को हमें 10 में बदलना है, यही मतलब हुआ। कैसे बदल सकते हैं? तो इसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे इसका कि 50 है तो 50 में से क्या करें अपन? 32 माइनस कर दें, कितने आ गए? 18। 18 है तो 10 कैसे होगा जब उसमें 1.8 का भाग देंगे? तो हम ऐसे कह सकते हैं कि डिग्री फॉरनाइट माइनस 32 बटे 1.8, ये फॉर्मूला बन गया किसका? फॉरनाइट से सेल्सियस में बदलने का। तो आप इस एकमात्र 50 डिग्री फॉरनाइट और 10 डिग्री सेल्सियस के माध्यम से फॉर्मूला बना सकते हैं और आप इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं। अब आपका ये दो कन्वर्ट करने का तरीका पता हो गया। तीसरा हम करते हैं केल्विन का। केल्विन महोदय क्या करते हैं? 273.15 डिग्री केल्विन, ये हमारा डिग्री, मतलब हमें सेल्सियस, जिसको आपको पता है सेंटीग्रेड भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? सेल्सियस को सेंटीग्रेड भी कहते हैं। सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है तो आप उसमें प्लस 273.15 डिग्री कर दो। आपको मोस्टली बुक्स में 213 ही मिलता है, लेकिन 213.15 होगा, और इस प्रकार से हम क्या बना लेंगे? उस केल्विन को सेल्सियस में बदल लेंगे और सेल्सियस से फिर वापस से फॉरनाइट में अपन कर सकते हैं। और इस प्रकार से आज के इस वीडियो में अपने सेल्सियस, फॉरनाइट और केल्विन को आपसी रूप से बदलना सीखा है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे अगर अगला वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। धन्यवाद।